वेलकम टू एग्जाम गाइड्स चैनल फ्रेंड। बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम का रिजल्ट जो है इस माह के अंत तक जो है प्रकाशित कर दिया जाएगा और काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और कल का आंदोलन जो है ये बहुत रंग लाया है और इससे बहुत प्रभाव पड़ा है। देखिए, आयोग की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है ये INX पेपर में छपा है, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रथम इंटर स्तरीय, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कथित धांधली सहित विभिन्न मांगों को लेकर कैंडिडेट्स ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करने की कोशिश की। आंदोलन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्टूडेंट को समझाकर लौटा दिया। और देखिए, फर्जी कैंडिडेट्स की वो पहचान, कैंडिडेट्स का कहना है कि प्रथम इंटर स्तरीय पीटी व मुख परीक्षा में काफ़ी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इसकी पहचान की जानी चाहिए। कई कैंडिडेट्स को शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया। अब अंतिम परिणाम में 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए थी। तो अब देखिए, 2014 से ही जारी है कवायद। बता दें कि बीएसएससी की ओर से बस 2014 से ही प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की कवायद की जा रही है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के 3 दर्जन विभागों में नियुक्ति होनी है। बीते जुलाई महीने में अभ्यर्थियों की टाइपिंग एवं अंशुलेखन परीक्षा ली गई थी, जबकि 3 एवं 4 अगस्त को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। अब इसी महीने के अंत तक परिणाम जारी करने की कवायद की जा रही है। आयोग के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि 31 अगस्त तक जो है ये परिणाम जो है काउंसलिंग के लिए जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए, और उसके बाद जो है काउंसलिंग का डेट जो है ये चाह रही है आयोग कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में काउंसलिंग को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए फ्रेंड, अब कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि पंचायत चुनाव है, तो पंचायत चुनाव से इस रिजल्ट को प्रकाशित करने में या फिर काउंसलिंग कराने में बीएसएससी को कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत चुनाव अपने जगह पे हो रहा है, बीएसएससी अपना रिजल्ट पब्लिश कर सकती है क्योंकि ये वैकेंसी जो है पहले की है, और जो है इस रिजल्ट के बाद बीएसएससी जो है जो काउंसलिंग भी करा सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कीजिए। अब डॉक्यूमेंट पे ध्यान दीजिए, जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है वो जाति प्रमाण पत्र CO लेवल से बनवा लीजिए, और वो जाति प्रमाण पत्र ऐसा बनना चाहिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर रहित हो। अगर आप BC और EBC कैंडिडेट से आते हैं, डेट मीन्स MBC भी कहा जाता था पहले EBC को, तो आप जाति प्रमाण पत्र पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको आपका कोई डॉक्यूमेंट में कमी है वो डॉक्यूमेंट को पूरा कीजिए, और बीएसएससी इंटर लेवल के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, एडमिट कार्ड हैं, सबको खोज के अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि अब काउंसलिंग होने वाला है और काउंसलिंग में इस चीज़ का ज़रूरी पड़ेगा आपको, और काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। इसलिए आप ये सब सारे डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो है इस महीने के अंतिम तिथि को आने वाला है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया।